भारतीय मसालों में हींग एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपने सुगंध और औषधीय गुणों के कारण हींग का भारतीय डिशेज में खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हींग आयुर्वेदिक इलाज में भी काम आती है। चाहे इंडियन डिशेज में तड़का लगाना हो या फिर अचार और चटनी में महक जोड़नी हो, हींग का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी हींग बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कई लाभ हैं, इनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। हींग ब्लड प्रेशर को कम करती है, अस्थमा में आराम दिलाती है, पीरियड्स में दर्द को राहत देती है, सिर दर्द दूर करने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है, और इसके अलावा इसका पाचन संबंधी दिक्कतों को दूर करने में भी प्रयोग किया जाता है। हींग जैसे इसको एसोफाटिडा भी बोलते हैं, हींग को, जैसे ये हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हींग में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड थिनर्स के रूप में काम करते हैं और जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, हार्ट को भी हेल्दी बना के रखता है। बाकी जैसे ये अस्थमा में भी बहुत अच्छा काम है हींग का, जैसे ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने के कारण ये अस्थमा जैसे सांस संबंधी और भी जैसे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ब्रोंकाइटिस होता है या सूखी खांसी ड्राई कफ है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रोल है। हींग हमारे सिर दर्द को कंट्रोल करता है, जैसे जो ब्लड वेसल्स में जो सूजन होती है उसको भी हींग कंट्रोल करने का काम करती है। पीरियड्स के पेन को भी मैनेज करता है, जैसे ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन, उसको प्रॉपर वे में फ्लो करने में मदद करता है हींग। हींग डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है, जैसे इसमें कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण हींग जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, हाइपर एसिडिटी होती है और ब्लोटिंग होती है, तो सबको कम करने में बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे हींग एंटी कैंसरस भी है, मतलब जो कैंसर जैसी खतरनाक जो बीमारी है उसको ये कम करता है। हींग डायबिटीज़ में बहुत अच्छा रोल है हींग का, तो ये शुगर के लेवल को कम करता है और इंसुलिन के लेवल को बॉडी में बढ़ा देता है। वेट लॉस करने में हींग का बहुत अच्छा काम होता है, ये फैट कम करता है और उसको वेट लॉस करता है। जैसे हम पानी में गुनगुने पानी के साथ भी हम हींग को डिसॉल्व करके ऐसे ले सकते हैं, या तो हम खाने में हींग को ऐड कर सकते हैं। दांत में जैसे दर्द है तो हींग को एज इट इज़, मतलब गुनगुने पानी के साथ, या तो उसका पेस्ट बना के ऐसे भी ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ गरारे भी इसको कर सकते हैं हींग के। और हींग की जो डोज होती है 250 से 300 mg होती है, पर डे इसको लेना चाहिए। इससे ज़्यादा थोड़ा सा वो करता है, बस थोड़ा सा वो होता है कि पित्तवर्धक होता है, थोड़ा सा बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करता है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो 250 से 300 mg हम ले सकते हैं हींग। जैसे जो लूज मोशन लग जाते हैं जिसको, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में हम हींग को ले सकते हैं, कम क्वांटिटी कम होनी चाहिए, प्रॉपर डोज में हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम खाने के साथ उसे ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, 1 pinch। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।